तो हाँ भाई, आज की वीडियो शुरू करें। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के एक अल्ट्रा यूनिक रोस्टर के बारे में। सबसे पहले तो आप इसका चैनल देखिए। इसके चैनल पे अराउंड 410 या 411 वीडियोस हैं। उनमें से 400 वीडियोस में तो इसने सिर्फ रोस्ट किया है और सारे इंडियन यूट्यूबर्सों का इसने रोस्ट कर डाला। मतलब कि एक सिंगल क्रिएटर को भी इसने नहीं छोड़ा जिसका इसने रोस्ट ना किया हो। फिर एक दिन मेरे सामने ये वीडियो आई जिसमें ये बंदी टेक्निकल गुरुजी को जेल भेजने वाली थी। फिर तो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उन्हीं का आज मैं पर्दाफाश करने वाली हूं अपने इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ये टेक्निकल गुरुजी के बारे में क्या बोलती है। ओ बातों बातों में मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गया। तो माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मेरे हिसाब से टेक्निकल गुरुजी जिस तरीके का कंटेंट अपने चैनल पर बनाते हैं उसमें किसी तरीके की कोई मेहनत नहीं लगती है। मैं तो इसको साफ साफ बोलूंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। देखो भाई, ऐसा है ना, YouTube पे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेहनत लग रही है? आपको क्या लगता है इसमें मेहनत लग रही है? इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही। टेक्निकल जो वीडियो बनाते ना उसमें भी मेहनत नहीं लगती। दिन की दो वीडियो 10 मिनट में डाल के एडिट करके सब हो जाता होगा। और ये मैम जो वीडियो बनाती ना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको पता है ये जो वीडियो बनाती है ना, ये इसमें एक दिन उनको पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती होगी, एक दिन शूटिंग में लग जाता होगा वीडियो की, और फिर एक दिन एडिटिंग में लग जाता होगा। ऐसे करके इनकी एक वीडियो 4 या 5 दिन में तैयार हो पाती होगी। इनकी वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारी वीडियो में मेहनत, इसको मेहनत कहते हैं? ये जो करती है ना इनकी वीडियो में, इसको मेहनत कहते हैं? पर्सनैलिटी दिखाई है, लेकिन ये लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए बहुत सारी तरीके की चीजें करने लगते हैं अपने चैनल पे आज की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कुछ भी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर इनको टेक्निकल गुरुजी की वीडियो पसंद नहीं आती हैं, तो ये उनकी वीडियोस देखती क्यों हैं? चलो देखती होंगी। अब देखते हैं कि ये यूट्यूब के गिव अवेज के बारे में क्या कहती हैं। टेक्निकल गुरुजी की मैं आपको टर्म्स बताती हूँ कि कैसे आपको वो गिव अवे देते हैं। वो गिव अवे लेने के लिए बोलते हैं कि भाई वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा जो है मेरे को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और जो मोबाइल का ब्रांड का पेज है उसको फॉलो कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि इस तरीके से किसी को भी गिव अवे का प्राइस कैसे मिल सकता है? अगर मैं किसी की वीडियो को लाइक कर देती हूँ, उसके नीचे कमेंट कर देती हूँ, तो उस हिसाब से तो किसी को भी नहीं मिलता है ना। लोग कर लो बात, ये टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस भी देखती हैं और इनको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना भी नहीं आता है। इनको शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देखता है। जो हर यूट्यूबर जो गिव अवे करता है वो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है कि आप इस लिंक पर जाइए और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। शायद इनको वो दिखता नहीं है, या शायद ऐसा हो सकता है इनको किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ही ना आता हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ अपन लोग कह थोड़ी सकते हैं। और गिव अवे जो ये करते हैं अपने चैनल पे, उसमें से 100 में से 95% जो गिव अवे होते हैं वो फेक होते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इतनी खुशी है मुझे। तो 100 में से 95% गिव अवे फेक ही रहते हैं। अरे अरे अरे, लास्ट में ये कुछ और भी बोलती हैं, तो सुनिए वो क्या बोलती हैं। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और यही मेरे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वो आपकी गलती है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ना, जो इन्होंने लास्ट में जो लाइन बोली है ना, क्या अद्भुत लाइन थी। वो लाइन मेरे दिल को छू गई है। तो सबसे पहले तो इनकी लाइन के लिए तालियां हो जाएं। बस यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इनकी ये आखिरी लाइन सुन के ना मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो ना तो इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक ही अकेली रोस्टर है जो यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बनाती है। और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इंडियन यूट्यूबर्सों को रोस्ट करते रहते हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं है एक क्रिएटर को एक ही बार रोस्ट किया हो, एक सिंगल क्रिएटर पर इन्होंने कम से कम 10 से 15 वीडियो बना दी हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।